हेलो स्टूडेंट, टेक आउट योर इंग्लिश बुक। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11, लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 है हमारा अशोका द ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है महान, यानी महान अशोक। अशोका वाज ए वेरी वाइज एंड गुड किंग। अशोका एक बहुत बुद्धिमान और अच्छा राजा था। आफ्टर रूलिंग 13 ईयर्स ही वेंट टू वॉर अगेंस्ट कलिंग, नाउ नोन एज उड़ीसा। 13 साल शासन करने के बाद उसने कलिंगा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसको अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। द किंगडम ऑफ कलिंगा वॉज एट दैट टाइम वेरी पावरफुल। कलिंगा का जो किंगडम था, राज्य था, वो उस टाइम बहुत ताकतवर था, पावरफुल था। इट्स पीपल वर ब्रेव, उसके लोग बहादुर थे। एंड लव फ्रीडम, और आज़ादी पसंद करते थे, आज़ादी को चाहते थे। दे फाउट वायलेंटली फॉर 3 ईयर्स बट वर बीटन एट लास्ट। वो 3 साल तक तो वायलेंटली यानी हिंसापूर्वक, हिंसक तरीके से लड़ते रहे, लेकिन लास्ट में हार गए। किससे हार गए? अशोक से हार गए। स्टूडेंट, सिमिलरली इस लेसन की पूरी रीडिंग आपको खुद करनी है। मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन बता देती हूँ। उस लड़ाई में जो हज़ारों लोग थे वो मारे गए। अशोका का दिल बहुत दुखी हो गया, यानी उदास हो गया, ये सब देखकर कि लड़ाई में इतने सारे लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुआ। इसलिए उसने कभी भी दोबारा लड़ाई लड़ने का ना निश्चय किया, यानी उसने सोचा कि मैं अब कभी भी लड़ाई नहीं लड़ूँगा। अशोक तब एक बुद्धिजीवी बन गया, यानी बौद्ध बन गया, और उसने अपने लोगों को सच्चाई, अच्छाई और प्यार करना सिखाया। उसने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए कुछ जो रूल हैं, कुछ नियम हैं, वो बनाए, यानी उसको निर्धारित किए। कौन कौन से रूल हैं यहाँ पर बताएं, वो 8 रूल बताएं, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। पढ़ फर्स्ट इसमें स्पीक द ट्रूथ, यानी सच बोलो। सेकेंड, डू नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत कहो, यानी दूसरों को बुरा मत कहो। थर्ड है बी क्लीन इन थॉट वर्ड एंड डीड, विचार वचन और कर्म में निर्बल रहें, साफ रहें। फोर्थ है डू नॉट किल एनी लिविंग बींग, किसी भी जानदार को नहीं मारो। फिफ्थ है ऑनर द ओल्ड, बड़ों की इज्जत करो। सिक्स, रिस्पेक्ट आवर फादर मदर एंड योर टीचर, कि अपने माता पिता और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। सेवन्थ है बी काइंड टू सर्वेंट्स एंड पुअर पीपल, कि अपने नौकरों और गरीब लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, बर्ताव करो, उनके साथ रहम करो। एट्थ है रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बिलीव, दूसरे लोगों की जो भावनाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, उनका भी इज्जत करो। उसने वो सब खुद भी किया जो दूसरे लोगों से करने के लिए कहा, यानी जो बातें उसने, रूल उसने दूसरे लोगों को बताया, उसने खुद भी उनको फॉलो किया, उनको माना। उसने ऑर्डर दिया कि उसके राज्य में कोई भी जानवर, कोई भी बर्ड नहीं मारा जाएगा। अशोक बहुत एक सिंपल लाइफ जीता था, यानी उसने एक बहुत साधारण ज़िंदगी जी। वो वास्तव में अपने लोगों का, यानी वो राजा था, लोग यहाँ पर उसकी प्रजा, वो उसका वास्तव में पिता था, बाप की तरह था। उसने कहा कि सारे बच्चे जो हैं, सारे लोग जो हैं, वो उसके बच्चे हैं। और जैसे कि एक फादर अपने बच्चों को खुश रखना चाहता है, ऐसे ही मैं भी लोगों को खुश रखना चाहता हूँ। यहाँ तक कि जो गरीब लोग थे, वो उसको किसी भी टाइम जब वो चाहते हैं, यानी जब वो पसंद करते हैं, वो उसी टाइम उसको देखने या मिलने जा सकते थे अशोक को। उसने कहा कि मेरे लोग जो है वो किसी भी समय आ सकते हैं महल में, यानी सब जगहों पर आ सकते हैं वो, चाहे मैं बाग में हूँ, गार्डन में हूँ अपने, और चाहे मैं अपने महल में हूँ, तो किसी भी जगह लोग मुझसे मिलने आ सकते हैं। और उसने ये भी कहा कि मेरे लोगों को मेरे पास आने का, मुझसे मिलने का अधिकार है,
और उसने लोगों को खुश रखने के लिए अच्छे से अच्छे काम किए, यानी वो हर तरीके से उनको खुश रखना चाहता था, इसके लिए उसने अच्छे से अच्छे काम किए। अशोक की मृत्यु हो गई रूल करने के बाद, यानी शासन करने के बाद अपने राज्य पर। कितने साल तक शासन किया उसने? 38 ईयर्स, यानी 38 साल तक शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसने हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम किए और उसने इंडिया में जितने भी शासकों ने रूल किया, राजाओं ने रूल किया, वो उन सब में सबसे अच्छा राजा था। स्टूडेंट, ये आपके लेसन नंबर 4 के वर्ड मीनिंग है। मीनिंग इन हिंदी में भी लिखा है मैंने इसको हिंदी में, और मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी इसका मीनिंग लिखा है। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेट, हिंदी में इसका मतलब है महान, इंग्लिश में कंसिडरेबल। वाइस, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। किंगडम कहते हैं राज्य को, इंग्लिश में स्टेट। ब्रेव, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर, इंग्लिश में फियरलेस कहते हैं इसको। पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। ट्रुथ, सच, ऑनेस्टी। पैलेस, महल, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैसल। राइट, अधिकार, ड्यू। पुअर, गरीब, बेगरली। रूल, शासन किया, गवर्न। गाइडेंस, मार्गदर्शन, डायरेक्शन। अब इनको आपको वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी के अंदर भी लिखना है और लर्न भी करना है। चलिए अब एक्सरसाइज टाइम पर आते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं आपके 4, इनको आपको आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज अशोक? आंसर है इसका, अशोका वाज ए किंग ऑफ उड़ीसा। अशोक कौन था? अशोक उड़ीसा का एक राजा था। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट काइंड ऑफ किंग वॉज ही? अशोक किस प्रकार का राजा था, कैसा राजा था? आंसर है इसका, ही वॉज ए वेरी वाइज एंड गुड किंग। वो एक बहुत बुद्धिमान, अकलमंद और एक अच्छा राजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 5 रूल्स लेड बाय अशोका फॉर हिज पीपल। अपने लोगों के लिए जो अशोक ने 5 रूल बनाए थे, निर्धारित किए थे, उनको बताना है। यहाँ पर यह आंसर है और इसके 5 पॉइंट हैं आंसर के। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डिड अशोका थिंक ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज पीपल? कि अशोक अपने आप को, यानी अपने बारे में और अपने लोगों के बारे में क्या सोचता था, ये इसका आंसर है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट्स में आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, तो जो सूटेबल लगे, आपको सही लगे, वो हमको इसमें भरना है। जैसे फर्स्ट है, ही वेंट टू वॉर - कलिंगा। उसने कलिंगा के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो इसमें अगेंस्ट है विद है, तो हमारा क्या है, लेसन में हमने क्या पढ़ा था, अगेंस्ट, वही यहाँ पर हम भरेंगे। सिमिलरली ये सारे आपको सेकंड से लेकर 8 तक इस बुक में ही फिल करने हैं, और जो इधर वर्ड सही है, जो आपको भरना है, वो मैंने टिक लगा दिए हैं, वही आपको भरना है देखकर इसमें से। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब नीचे जो लाइनें लिखी हुई हैं आपको, ये आधी हैं, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें सूटेबल वर्ड भरने हैं आपको स्टोरी में से, जो भी हमने लेसन पढ़ा है उसी में से पढ़कर हमें ये लाइंस जो हैं कंप्लीट करनी है। यहाँ पर मैंने आपको 2 करके दिखाई हैं, इसी तरीके से आपको ये 5 पूरी करनी है। फर्स्ट है हमारा, अशोका डाइड आफ्टर रूलिंग 4 ईयर्स। अशोका मर गया कितने साल राज करने के बाद, शासन करने के बाद? 38। यहाँ पर हम 38 भरेंगे। सेकंड, ही हिमसेल्फ डिड व्हाट? उसने खुद किया क्या, ये हमने अभी लेसन में पढ़ा था, तो वहीं से ये लाइन पूरी करनी है, हमें कंप्लीट करनी है। ही आस्क्ड अदर टू डू, जो उसने दूसरों को करने के लिए कहा, वो उसने खुद भी किया। इसी तरीके से आपको 3rd, 4th और 5th लेसन में से ही देखकर यहाँ पर लाइन कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैच ए एंड बी टू मेक 4 मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें आपको एक तरफ ए दिया है पार्ट और एक तरफ बी दिया है, इसमें आपको मैच करना है और 4 मीनिंगफुल सेंटेंस आपको
बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है जैसे इसका, दो ही रन वेरी फास्ट, हालांकि बहुत तेज़ दौड़ी। तो अब इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है पढ़कर आपको लगाना है, मैंने यहाँ लगाया है शी कुड नॉट विन द प्राइज, फिर भी वो इनाम नहीं जीत सकी। सेकेंड, दो यू हेट मी, हालांकि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसके साथ मैच होगा हमारा आई शेल हेल्प यू इन ट्रबल, मैं आपकी परेशानी में मदद करूँगा या करूँगी। थर्ड है हमारा, दो जाहिद वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि जाहिद ने बहुत मेहनत की। अब थर्ड इसके साथ कौन सा मैच होगा पढ़कर देखेंगे हम, ही कुड नॉट गेट फर्स्ट पोजिशन, फिर भी उसकी फर्स्ट पोजिशन नहीं आ सकी या फर्स्ट पोजिशन नहीं पा सका। एंड लास्ट फोर्थ इज, दो आई स्पोक द ट्रूथ, हालांकि मैंने सच बोला, इसका मैच करेंगे हम ही डिड नॉट बिलीव मी, उसने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, यकीन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 में, लर्न दीज फ्रॉम एफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव, ये यहाँ पर एक तरफ आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बताए हुए हैं और सेकंड तरफ आपके इंटरोगेटिव बताए हुए हैं कि इन्हीं के हमको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है आपका, आई वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव कहते हैं सकारात्मक वाक्य। और ये दूसरी तरह आपके इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव कहते हैं प्रश्न वाचक, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे फर्स्ट शुरू में हम डू लगाएंगे, डू लगाकर फिर पूरा सेंटेंस ये वाला आई वर्क वेरी हार्ड, डू आई वर्क वेरी हार्ड लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो ये हमारा इंटरोगेटिव में चेंज हो गया। इसी तरीके से ये आपको 6 दिए, इसको आप रीड कर लीजिएगा और नीचे देखिए अब क्या करना है आपको। नाउ मेक दीज सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव, अब आपको ये 5 सेंटेंस दिए हैं अफर्मेटिव के, इसको चेंज करना है आपको इंटरोगेटिव में, यानी क्वेश्चन वाले बनाने हैं इसको हमें। कैसे बनाना है, अभी मैंने बताया डू या डज लगाकर सबसे शुरू में हम डू और डज का यूज़ करेंगे, फिर पूरा सेंटेंस उतारेंगे अफर्मेटिव वाला और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब डू और डस हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। डू इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन, डू जो है वो हम प्लूरल नाउन जो होगा हमारा उसके साथ यूज़ करेंगे। अब प्लूरल कौन से होते हैं हमारे, आई वी यू दे। एंड डज इज़ यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, और डज हम यूज़ करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर कौन से होते हैं हमारे, ही है, शी है, या किसी भी गर्ल या बॉयज़ का सिंगल नाम होता है वहाँ भी हम डज यूज़ करेंगे। नाउ मेक दीज सेंटेंसेज इंटू इंटरोगेटिव, ये आपके एक साइड अफर्मेटिव है, अब इनको चेंज करना है हमें किस में, इंटरोगेटिव में। फर्स्ट देखिए, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने टीचर्स की इज्जत करता हूँ, अब हम इसको इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आई क्या है हमारा, प्लूरल है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू, फिर आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपने क्या मैं अपने टीचर्स की इज्जत करता हूँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो हमारा इंटरोगेटिव में चेंज हो गया, क्या मैं अपने टीचर की इज्जत करता हूँ, क्या क्वेश्चन होता है ना। अब इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इसी बुक में करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स खाली जगह भरनी है और इधर साइड में ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, तो जो सुटेबल हो, सही लगे आपको, उचित हो, वो हमें भरना है। जैसे फर्स्ट है हमारा, द कैट इज़ हाइडिंग डैश द डोर, बिल्ली जो है वो छिप रही है दरवाजे के क्या, कहाँ पर, इसमें से देखिए आप कौन सा सही लगेगा, ओवर है, बिहाइंड है, दरवाजे के पीछे, पीछे की इंग्लिश है बिहाइंड, तो यहाँ पर भरेंगे हम बिहाइंड। द कैट इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, बिल्ली दरवाजे के पीछे छुप रही है। इसी तरीके से आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बुक में ही कम्प्लीट करना है और यहाँ साइड में जो वर्ड आने हैं वो उस पर मैंने टिक लगा दिया है, उसे देखकर आप कंप्लीट करिएगा। स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने होमवर्क दिया है एक बार उसको ध्यान से फिर सुन लीजिए। आपको कॉपी के अंदर एक तो वर्ड मीनिंग करने हैं जो मैंने बताए थे, मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन इंग्लिश, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका क्वेश्चन आंसर, वो आपको कॉपी में करने हैं ये दोनों काम, और बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5th एंड 6 आपको बुक के अंदर ही फिल करना है।
एंड नाउ लेसन नंबर 4 इज़ ओवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।